क्या होता है हिंदी में बताओ। लिनन फैब्रिक या नेचुरल फैब्रिक है तो आपका वो एक बीट से सीट्स जो है मतलब वो है उससे बनता है तो वो मतलब पूरा ब्यूटीफुल है और आपका मतलब हाइजीनिक है आपका स्किन में मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप बताओ हमारा क्रिम्सन क्लब में कॉटन जो यूज़ करते हैं वो क्या कॉटन यूज़ करते हैं कितना क्या रहता है? सर जो कॉटन होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है वही होता है 95% उसमें कॉटन रहता है और बाकी 2-3% उसमें लाइक्रा मिक्स होता है। 97-98% कॉटन रहता है, 2-3% लाइक्रा मिक्स होता है क्योंकि वो स्ट्रेचेबल रहता है ताकि कंफर्टेबल रहे कस्टमर। हाँ ठीक सौरभ बताइए आप हमारा जो अभी समर का कलेक्शन आ रहा है उसमें लिलन जो रहता है लिलन और कॉटन में क्या डिफरेंट रहता है? लिलन का मटेरियल जो है आपका उसमें मतलब जैसा स्वेट स्वेट होता है उसमें वो नहीं पकड़ता है, कॉटन में मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ राइट, ये क्या होता है लिलन जल्दी धो सुखाओ पहनो टाइप कपड़ा आता है वो जल्दी सूख जाता है और इसको कॉटन क्या होता है इतना वो स्वेट एब्जॉर्बेंट नहीं है रहा लिलन जल्दी से उसको सूख जाता है ठीक है। और कॉटन लिलन से लिलन कॉटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और क्या है सॉफ्ट रहता है लिलन कॉटन सॉफ्ट रहता है लिलन थोड़ा हार्ड रहता है बट वो हाईली ब्रीथेबल फैब्रिक है ठीक है। हाय गुड इवनिंग रशीद सर, कैसे हो आप? मैं बोल रहा था आप बताइए तो हमारा जो गीजा कॉटन होता है वो क्या कॉटन रहता है क्या फैब्रिक रहता है वो इसका फ़ायदा क्या है? देखिए गीजा कॉटन नेचुरल इवन प्रीमियम नेचुरल कॉटन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इवन ब्रीथेबल फैब्रिक इज स्वेट ऑब्जर्वर प्लस इट्स वेरी लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो और बहुत प्रीमियम रेयर कॉटन है। हाँ रेयर कॉटन है और बहुत सॉफ्ट है हल्का पुतला है तो इतना हाँ वो पहनने के बाद भी बहुत कंफर्टेबल कंफर्टेबल रहे तो इसमें हाईली ब्रीथेबल भी है। और गीज़ा क्या है वो इजिप्शियन कॉटन है, इजिप्ट का गीज़ा नामक जगह में उसको मिलता है तो इसका प्रोडक्शन भी कम है तो इसलिए इसका मतलब वो मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है ठीक है। थैंक यू।